पहली बार सरकार में क्रेडिट मिला है, क्या मानते हैं साहब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही केवल देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें पोलिंग बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मंत्री का भी दायित्व दे सकती है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में पोलिंग बूथ एजेंट के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा में मुझे मंडल में, जिले में, प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पर भी दायित्व देने का काम किया था। लंबे समय से आप सब मीडिया मित्रों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आज जो मेरे को दायित्व दिया है, एक साधारण कार्यकर्ता क्या ये सम्मान है, भारतीय जनता पार्टी में ही ये सम्मान है। मंत्रिमंडल में जो कॉम्बिनेशन रखा है नए और पुराने चेहरों का, उसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज डॉक्टर मनमोहन यादव जी का जो मंत्रिमंडल बना है उसमें बहुत वरिष्ठ नेता हैं जिनको हमने बचपन से काम करते देखा और जो केंद्रीय स्तर पर भी काम कर चुके हैं, तो बहुत अनुभवी नेता है, तो निश्चित रूप से उनका लाभ प्रदेश को मिलेगा। तो दूसरी ओर हमारे जैसे जो नए लोग हैं उन्हें ऐसे अनुभवी मंत्रिमंडल में रखे काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा। लोकसभा चुनाव भी है 4 महीने बाद, पार्टियां क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में 282 सीटें और 2019 में 303 सीटें जीतने का काम किया था, जिस तरह से जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 400 से भी अधिक सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिलने वाली है। प्रदेश में भाजपा 20 साल से काम कर रही है, आगे 5 वर्ष भी जनादेश मिला है। ये सरकार लोक कल्याण कार्य लगातार कर रही है, आगे भी करते रहेगी। हम सब लोग उसके अनुभव है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो भी काम हमें होगा जाए उसमें भरपूर प्रयास करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। उसमें क्या लग रहा है? लोकसभा का चुनाव क्लियर है, एक तरफा चुनाव है, इस बार 400 पार का एजेंडा हमारा, सब सीटें जीतेंगे। क्षेत्र के लिए क्या करेंगे मंत्री बनने के? क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास करेंगे, जो वहाँ की दरकार है, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, सब पकड़ा हम करेंगे। मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, काम करना और क्या, मंत्री पद दिया इसीलिए है कि मध्य प्रदेश का विकास करना। एक बार फिर मध्य प्रदेश में आपकी वापसी हुई है, तो क्या कुछ खास विजन लेकर लौटे हैं मध्य प्रदेश का? देखिए, विजन मोदी जी का है, उसको पूरा करने का हम काम करेंगे और मध्य प्रदेश का डेवलपमेंट भी करेंगे, देश को नंबर 1 बनाने का जो मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करेंगे। सर, काफ़ी सीनियर लीडर जो है इस बार मंत्री पद नहीं पा पाए, काफ़ी क्या कुछ? सबको मंत्री पद थोड़ी मिलता है, आखिर आपको 15% बनाना है तो कुछ लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, कुछ नए को लोगों को मौका भी देना पड़ता है, इसलिए आप लोग ज़्यादा चिंता मत करिए इस बात की, संतुलित टीम और बहुत अच्छा काम करेंगे। आपकी क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी और विभाग? हमारी प्राथमिकता एक है कि मोदी जी का सपना पूरा करना है, इसके अलावा कोई प्राथमिकता नहीं। कृष्णा जी, बाबूलाल गौर जी का जो विकास का एक मॉडल था उसे आप कैसे आगे ले जाएंगे, उस लेजेसी को? आला कमान के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप? पहली बार मंत्री बनाए, कैसा लग रहा है? मैं मंत्री नहीं, मैं एक सेवक हूँ। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी चौकीदार अपने आप को बोलते हैं, तो जब हमारे देश के शीर्ष और हमारे पूरे भारत के गौरव जब वो अपने आप को चौकीदार कह सकते हैं, तो हम मंत्री नहीं, हम एक सेवक की भूमिका निभाएंगे और हम सेवक के भांति हम काम करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, संपत्तियां उल्टे की जय, जिंदाबाद। मंत्रिमंडल बना, इसमें नए लोगों को भी दया और अनुभवी लोगों को भी मौका मिला, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अच्छा है कि भारतीय, एक भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देती है, नए लोगों को सम्मान देती है, एक साधारण कार्यकर्ताओं को मौका देती है। मैं हमारे शीर्ष नेता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसे हमारे जन जन के नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे संगठन के मुखिया बी डी शर्मा जी को, आदरणीय हितानंद जी को, सभी हमारे संगठन और सत्ता के सबको मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप लोगों को और पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है,
अपने क्षेत्र के प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी, वहाँ के लिए क्या सोचा आपने मंत्री बनने का? क्षेत्र में जो काम तो बहुत अच्छे हुए हैं, जहाँ कमी है उसको हम पूरा करेंगे। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी आपको मंत्री बनाया सरकार में? पहली बात तो पार्टी के प्रति, प्रदेश नेतृत्व, केंद्र नेतृत्व के प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे मंत्री पद की जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी को हम प्रदेश के विकास के लिए व देश के विकास के लिए, आज 25 दिसंबर अटल जी की जन्म जयंती है, अटल जी ने हमें सुशासन पर चलने को सिखाया, उस आधार पर हम काम करके प्रदेश को अग्रणी प्रदेश बनाएंगे और अच्छा आगे ले जाए। मंत्रिमंडल ने कुछ नए चेहरे को मौका दिया, अनुभवी नेताओं को रखा, इसे किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, यही तो भारतीय जनता पार्टी सबको अवसर देती है। नया चेहरा जरूर आए लेकिन सब मजे मजाए लोग हैं, काफी दिन से पार्टी में, क्षेत्र में, समाज में काम कर रहे हैं। और आपके क्षेत्र के प्रति क्या प्राथमिकता रहेगी आपको? मेरे क्षेत्र के प्रति वहाँ का सिंचाई का रकबा बढ़े, वहाँ पर उद्योग आए, एजुकेशन व हेल्थ, इसका भी हमको आगे काम करना है उस क्षेत्र में, जिससे अच्छी सुविधा वहाँ पर मुहैया हो। नागर जी, आपको प्रतिनिधित्व मिला है झाबुआ क्षेत्र से, आदिवासी क्षेत्र से, क्या मानते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, मैं अलीराजपुर से विधायक हूँ और अलीराजपुर जिले को जो जनता की अपेक्षा थी, मैं पिछले लगातार 4 बार से विधानसभा चुनाव जीतते आ रहा हूँ और मुझे पहली बार अलीराजपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। ये जो पद है जनता की सेवा के लिए है और मध्य प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, मेरी कोशिश ये कि आम जनता तक इसका लाभ मिले। लोकसभा चुनाव होना, उसमें क्या रहेगा पार्टी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मोड में है और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभी वोट प्रतिशत रहा है 48%, और जब हम लोग, हमारा लक्ष्य है ये जो वोट प्रतिशत 48% मिला है, इसको 10% और बढ़ाना है, ये हमारा लक्ष्य। आखिर सवाल, मालवा निमाड़ से इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली, उसको आप कैसे मजबूत करेंगे, आदिवासी जो सीटें हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो आदिवासी सीटें हैं 47 में से पूरे मध्य प्रदेश में 24 पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो विधायक हमारे चुनाव हारे हैं वो बहुत कम वोटों के अंतर से हारे हैं और हम सब लोग उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं और आने वाले समय में लोकसभा की जो हमारी 29 सीटें हैं और जो आदिवासी 6 सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी विजय श्री हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो मुझे अवसर दिया है, इसमें हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक टीम के रूप में मध्य प्रदेश को पूरे देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आज दुनिया का श्रेष्ठ देश भारत बन रहा है, उसमें हमारा योगदान हम स्थापित करेंगे। रतलाम जो है वहाँ पे दिल्ली में भी कॉरिडोर भी बन रहा है और क्षेत्र भी बन रहा है, तो आप किस तरह से उसको और आगे ले जाना चाहेंगे? मुझे लगता है दायित्व के कारण हमें वहाँ लाभ होगा और देश और विदेश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क की ओर आकर्षित करने में सफल होंगे। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? लोकसभा में निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 29 सीटों को जीतने का है और हम 29 सीटें लोकसभा की जीतेंगे। बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। पूरी उम्मीद थी मेरा नेतृत्व, पूरी उम्मीद थी जब यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, पार्टी का कार्यकर्ता सैनिक को सेनापति बनाने का सिर्फ भाजपा में होता है। बेटा को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। उम्मीद थी जब पूरी उम्मीद थी मेरा नेतृत्व, पूरी उम्मीद थी जब यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है, पार्टी का कार्यकर्ता सैनिक को सेनापति बनाने का सिर्फ भाजपा में होता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।